एवरीवन, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और सबसे पहले तो उन सब लोगों को वैलेंटाइन डे जो अपने प्यारों से बहुत प्यार करते हैं, और सेकंड उन लोगों से जो जिम से प्यार करते हैं, जिम लवर्स हैं। सो आज हम 14 फेब में भी देखें, हम जिम में हैं और हम अपने मैं अपने प्यार का इजहार जिम से ही कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं और मेरी मसरूफियात जिम है। सो एक मसल की दो एक्सरसाइजेज हैं, और बिगनर्स के लिए मैंने बिगनर्स का वार्म अप बताया हुआ है। उसमें ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल जो बेबी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना है, और बिल्कुल जो लाइट एक्सरसाइजेज जो आपकी समझ में आती है आप लोगों ने सिर्फ वो एक्सरसाइज करनी है। जो मुश्किल एक्सरसाइज है उसको स्किप कर दीजिएगा। जो आपको लगे कि हमारे नी का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो आप स्टार्ट मत कीजिएगा। और वार्म अप करने के बाद बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेज जैसे शोल्डर की 2 एक्सरसाइजेज, बैक की 2 एक्सरसाइजेज जो हैं, और आर्म्स की, ट्राइसेप्स की दो एक्सरसाइजेज मैंने बताई हुई हैं, वो आप लोगों को करनी है। और आज से ही हमारा जो है एक्सरसाइजेस का जो है स्टार्ट हो चुका है 14 फेब से। तो आज की वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, सब लोग कर सकते हैं। मेक श्योर रहिएगा कि आपको जिस मसल में इंजरी है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप वो मसल को स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का फ्रोजन शोल्डर है, किसी के नी का इशू है तो लंजेस वगैरह ना करें, किसी के शोल्डर का इशू है तो वो लेटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस वगैरह ना करें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ